नाउ आई एम विजिबल गाइस। ठीक है, अब सब बढ़िया, सब चंगा सी। ठीक है, चलो जल्दी से मुझे एक बार बताओ भाई, सब ओके है, सब दिख रहा है, ऑल सेट? तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ चलो, बहुत बढ़िया। ठीक, गलत हम बेटा, इससे पहले मैं क्या है ना, मैं थोड़े गलत गोले में चला गया था। कहाँ पे चला गया था? गलत गोले में चला गया था, दूसरे वाले उसमें चला गया था मैं। ठीक है, कहीं और देखा, यहाँ पे मैं लाइव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो गाइस, कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं, ज्योति बलियान, वो दैट वाज जस्ट अ मिस्टेक, एक ग्लिच देखने को मिला, मैं दूसरे उसमें सेशन में चला गया, मुझे यहाँ पे ही आना था आपके सामने। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है भैया, आपके यहाँ पे बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है। चलो गाइस स्टार्ट करे करे स्टार्ट आज भैया सेशन हमारा करंट अफेयर का। तो गाइस नमस्कार टू ऑल ऑफ यू भाई, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं। वेलकम टू SSB क्रैक एग्जाम, जहाँ पे बेटा आपको डिफेंस रेट एग्जाम्स में आपको प्रिपरेशन दी जाती, चाहे बेटा आपका FCAT, NDA, CDS, भैया कोई भी आपका रिलेटेड एग्जाम है उसके लिए आपको गाइड किया। तो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे और भैया धमाल मचा रहे होंगे। तो गाइस आज है 29 नवंबर का दिन है, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है सबको क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, एज वी ऑल नो, एक ही सवाल आपसे पूछूंगा भैया, हाउ इज द जोश? जोश है कि नहीं, बताओ आज के सेशन में। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑनलाइन जुड़ गए भैया, यहाँ पे ज्योति बलियान, यहाँ पे किम जोंग उन सर भी यहाँ पे है, हरमान दीपक, मतलब आज बॉम ब्लास्ट तो नहीं करोगे ना यहाँ पे? ठीक है, चलो ज्योति बलियान यहाँ पे, कुणाल देशमुख भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, जल्दी से बेटा लिंक को शेयर करो, जल्दी से लिंक को शेयर करो। वैसे ऑलरेडी थोड़ा बहुत हम लेट हो चुके बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू, आगे बढ़ जाते हैं गाइस। चलो भाई, आपको तो पता ही है एक तरीके से इंपॉर्टेंट सेशन होने ही वाला है, और जो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, एक सवाल पूछा था, क्या सवाल था? वो सवाल ये था कि इनमें से आपका कौन सा शहर है भारत का, जो आपका होस्ट करने वाला है आपका भारत का पहला G20 शेरपा मीटिंग। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। ठीक है, बताओ कितने लोगों ने जवाब दिया था, कितने लोगों ने इसका जवाब दिया था, मुझे बताओ जल्दी से, बताओ क्या है इसका आंसर, क्या है इसका आंसर, मुझे बताओ जल्दी से। हाँ, पुतिन, आज तो भैया पुतिन भी है, आज तो भैया किम जोंग उन भी है, तो भैया मोदी जी कहाँ पे आज, मुझे बताओ। ठीक है, तो इसका जो जवाब है बेटा बहुत ही सिंपल था, इसका जवाब था आपका यहाँ पे उदयपुर। क्या था भैया आपका? उदयपुर। ठीक है, देखो यहाँ पे G20 की मीटिंग की बात नहीं हो रही, जो भैया आपका अगले साल आपको देखने को मिलेगा आपको सितंबर में नई दिल्ली में, यह बात हो रहा G20 शेरपा मीटिंग की आपकी बात हो रही है, जो आपका यहाँ पे उदयपुर में होने वाला है, और ये आपका भारत में पहली बार आपको मीटिंग देखने को मिलेगा। देखो आपका G20 आपका कब होने वाला, अगले साल होने वाला बेटा, अगले साल आपको सितंबर में देखने को मिलेगा 2023 में, शुरुआत बेटा अभी से ही होगी। ठीक है, अभी से आपका शेरपा मीटिंग अभी आपको देखने को मिलेगा, कई सारी तैयारियां चलेगी अभी आपकी, पूरा एक साल आपको यहाँ पे भारत में देखोगे G20 की पूरी तैयारी आपकी चलेगी, उसका एक एलिमेंट आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं इसको थोड़ा एक तरीके से डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 4 से लेके बेटा कब से लेके, 4 से लेके आपका 7 दिसंबर तक आपको शेरपा मीटिंग आपको G20 लेवल का आपको देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या है शेरपा, व्हाट इज द शेरपा, कहाँ का शेरपा, आइए डिस्कस करते। ठीक है, शेरपा बेटा बहुत ही सिंपल सा बात है एक तरीके से, कि ये आपके एक एमिसरी आपके होते हैं, या आपके रिप्रेजेंटेटिव आपके होते हैं, जो एक तरीके से पूरा जिम्मा उठाते हैं पूरे G20 मीटिंग का, पूरे एक तरीके से जो ये पूरा एक एजेंडा सेट करते हैं, पूरी मीटिंग्स को यहाँ पे डिजाइन करते हैं। देखो
ये आपके ऐसे आपके एमिसरी होते हैं, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो एक तरीके से हमारे लीडर को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। जैसे हमारे देखोगे अभी जो अभी हमें जो शेरपा देखने को मिल रहा है इंडिया की तरफ से, वो आपके कौन है बेटा, आपके अमिताभ कांत जी है, ठीक है। तो अमिताभ कांत जी क्या करेंगे बेटा, पूरा यहाँ पे इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ वेरी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब, क्योंकि G20 में इनको सारी चीजें इनको कवर करनी है, इनको एजेंडा सेट करना जो अगले साल का आपके G20 नई दिल्ली में होने वाला है, कई सारे डेलीगेशन को यहाँ पे इनको एक तरीके से डिस्कशंस वगैरह कर रहे हैं, मीटिंग्स यहाँ पे हैंडल करना है। सो इट इज अ वेरी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब, ठीक है। तो शेरपा बनना आपका कोई ऐसी बात नहीं होती है। इससे पहले अगर आप देखोगे आपका कौन यहाँ पे G20 का आपका शेरपा आपकी तरह से आपको देखने को मिलते, तो आपको पीयूष गोयल जी मिलने देखने को मिलते थे। बट पीयूष गोयल जी की भाई ऑलरेडी उनके पास इतने सारे मिनिस्ट्री है यार, उनका एक तरीके से देखोगे आपका देखोगे तो बहुत सारे उनके पास टेक्सटाइल का है, कॉमर्स का है, कई सारे आपको देखने को मिलेंगे, आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे है, तो इतना फिर G20 के शेरपा भी आपके बने थे, तो एक तरीके से बहुत बर्डन इन पे आ रहा था। तो ये आपको देखने को मिलेगा जुलाई के महीने में, आपका जो अमिताभ कांत जी है जो आपके एक तरीके से फॉर्मर IAS अधिकारी आपको पता होना चाहिए, ये आपके देखने को मिलेंगे, आपका भारत को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे एज ए G20 शेरपा। तो कहां पे इसी का मीटिंग आपका होगा बेटा, उदयपुर आपको राजस्थान में। भैया राजस्थान के कौन है, राजस्थान के कौन है मुझे बताओ, ठीक है। तो ये आपका पहला G20 शेरपा मीटिंग भारत में देखने को मिलेगा, और इसको भाई इसको इस मीटिंग को प्रिसाइड कौन करेंगे, अध्यक्षता किसकी आपको देखने को मिलेगी, तो आपको यहाँ पे अमिताभ कांत जी की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। शेरपा आपके कौन होते हैं, ये आपके पर्सनल एमिसरी होते हैं जो हमारे जो G20 के एक तरीके से जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरीके से पूरा यहाँ पे एजेंडा पूरा एक तरीके से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ये इनकी पूरी यहाँ पे बेटा जिम्मेदारी होती है, ठीक है। हम देखोगे एज ए G20 लीडर मोदी जी हमारे है, ठीक है, रिप्रेजेंट इंडिया को करते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे एक तरीके से पूरा मैनेज कौन करेंगे बेटा, शेरपा जी हमारे करेंगे, जो कि हमारे अमिताभ कांत जी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कई सारे मीटिंग्स आपको देखने को मिलेंगे इस आपके इवेंट में, जहां पे आपका एजेंडा आपका रखा जाएगा, जितने भी आपके जो लीडर्स आपके समिट से पहले जो बड़े टॉप लीडर्स आपके, जैसे कि जो बाइडन हो गए आपके, आपके शी जिनपिंग आपका हो गया है, आपके इमैनुअल मैक्रन, जितने भी जो बड़े बड़े लीडर्स है, ठीक है। तो उनका मीटिंग किस वे में डिजाइन होगा अगले साल में, किस तरीके से पूरा आपका यहाँ पे मीटिंग आपका एक तरीके से हमें देखने को मिलेगा, पूरा डिजाइन आपके शेरपा आपका करेगा, ठीक है। तो ये आपको सारा बेटा पता होना चाहिए, ठीक है। अब शेरपा की यहाँ पे बात करेंगे, इनका मेन काम जैसे मैंने बताया कि भैया समिट को कोऑर्डिनेट कैसे करना है, और जो भी इंपॉर्टेंट वर्क है बेटा G20 जो अगले साल में आपको देखने को मिलेंगे, उसमें कैसे नेगोशिएशंस करने बिटवीन द लीडर्स, पूरा जिम्मा भैया शेरपा जी का होता है, ठीक है। इससे पहले कौन थे, पीयूष गोयल जी थे, ये आपको पता होना चाहिए। जुलाई में आपको थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि G20 का, तो आपको बताइए बेटा 1 दिसंबर 2022 से हमें ये जिम्मा दे दिया है किसने, इंडोनेशिया ने दे दिया है कि भैया अब आपका जो भारत है वो अगले साल अध्यक्षता करेगा, क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा किसकी, G20 की करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कब होने वाला है G20 का मीटिंग, कब होने वाला मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ। ये आपका सितंबर 2023 में आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली में, बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। G20 का जो शेरपा लेवल का जो मीटिंग है वो आपको उदयपुर में अभी देखने को मिल रहा है, बट जो आपका मेन जो इवेंट है G20 का, वो आपको आपको अगले साल आपको सितंबर के महीने में 2023 में देखने को मिलेगा, हम यहाँ पे अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और भारत आपका G20 का आपका मेंबर कब बना था, आपको देखने को मिलेगा 1999 में, तब मतलब जो आपका G20 आपके तरीके से फॉर्म भी आपका हुआ था, ठीक है। तो बेटा ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आइए थोड़े G20 के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो G20 आपका है क्या, तो G20 इज नथिंग, एक आपका इंटर गवर्नमेंटल आपके तरीके से आपका एक तो पूरा एक सम्मेलन है, एक फोरम है, जहां पे आपको 19 कंट्रीज इसके मेंबर देखने को मिलते, कितने देखने को मिलते हैं, 19 आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन, बिल्कुल सही तुमने बोला यहाँ पे गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे बात करोगे G20 की जरूरत क्यों है, व्हाई वी नीड G20 एज एन ऑर्गेनाइजेशन, क्यों हमें चाहिए एक फोरम, हमें क्यों चाहिए। सिंपल सा यहाँ पे आपका यहाँ पे लॉजिक है कि ये आपका यहाँ पे ग्लोबल लेवल की जो भी आपके जो इंपॉर्टेंट आपके एक तरीके से मुद्दे है, जैसे कि आपका इकोनॉमी हो गया, आपका यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसे हो गया, आपका क्लाइमेट चेंज आपका हो गया, मिटिगेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द पीपल, फॉर द एनवायरमेंट, सबकी यहाँ पे बात आपकी G20 की आपको मीटिंग्स में देखने को मिलेगी। कब आपको देखने को मिलता है इसका एस्टेब्लिशमेंट, तो आपको यहाँ पे 26 सितंबर 1999 में आपको बेटा देखने को मिलता है, साल मत भूलना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1999 में बना भी था और इंडिया इसका पार्ट भी बना था तभी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, बहुत बड़ी खबर है यहाँ पे रिगार्डिंग आपका स्पोर्ट्स से, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कि हमें एक तरीके से
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, क्या नाम है बेटा इसका, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो हमें यहाँ पे पहली महिला अध्यक्ष हमें देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है? पहली महिला अध्यक्ष हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कौन है ये, इनका नाम क्या है, आप सबको तो पता ही है। हमारी यहाँ पे एक तरीके से हमारा जो एथलेटिक, जो हमारे एक तरीके से ट्रैक फील्ड की जो एक रेसर हमारी है, जो हमारी पहचान है भारत की, जिनका नाम है पीटी उषा जी। क्या नाम है इनका? पीटी उषा जी। और ये आपके राज्यसभा के मेंबर भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि पीटी उषा जी विल बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। क्योंकि भैया क्या है, जब इसका यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जब इलेक्शंस वगैरह चल रहे थे, के लोग अपना नॉमिनेशन यहाँ पे डाल रहे थे, तो यहाँ पे एक तरीके से देखोगे आपका ये शी वाज द ओनली कैंडिडेट जो भी है एक तरीके से इस पोस्ट में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो वो बहुत ही इजी एक रास्ता इनके लिए बन गया था, क्योंकि कॉम्पिटिशन ही नहीं था, ठीक है। और जब कॉम्पिटिशन ही नहीं था, इनको आसानी से इनको यहाँ पे प्रेजिडेंट यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे भैया, ये आपकी अध्यक्षता भैया कब से आपकी यहाँ पे संभालेंगी, तो आपको पता होना चाहिए दिसंबर 10 से इनका यहाँ पे इनका टेन्योर पूरा शुरू हो जाएगा। अगर हम इनकी पूरी इतिहास की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने एशियन गेम्स में इन्होंने कितने बेटा मेडल जीते अभी तक, अगर देखेंगे 11 मेडल जीते हैं, ठीक है। कितने जीते हैं? 11 मेडल जीते हैं, और 23 मेडल्स इन्होंने यहाँ पे एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने जीते हैं। पूरा अगर हम इनका करियर अगर देखेंगे बेटा, लगभग इन्होंने 18 यहाँ पे एक तरीके से स्वर्ण पदक जीते हैं, मतलब कि 18 गोल्ड मेडल जीते, तो बहुत बड़ा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है भैया, भूलना नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते कि पीटी उषा जी ने यहाँ पे अगर आप देखोगे कई सारे यहाँ पे एक तरीके से आप देखोगे मतलब यहाँ पे इन्होंने एशियन का गोल्ड मेडल भी यहाँ पे जीता, जैसे मैंने आपको बताया था। मेन यहाँ पे 1984 में जो आपका यहाँ पे ओलंपिक्स आपको देखने को मिलता है बेटा, यहाँ पे देखोगे आपकी फोर्थ पोजीशन में आपको देखने को मिलती है, जो आपका 400 मीटर का जो आपका हर्डल आपका एक तरीके से आपको रेस देखने को मिलता है, पूरा एक 400 मीटर रेस, मतलब कि पूरा एक ग्राउंड का पूरा चक्कर अगर मान लो, ठीक है ना, ट्रैक का, ठीक है। तो उसमें बेटा इन्होंने यहाँ पे फोर्थ पोजीशन ली थी बेटा 1984 में। तो इससे सीधा सीधा समझ आता है इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा इनका नाम है रिगार्डिंग इंडियन स्पोर्ट्स, ठीक है। 4 गोल्ड मेडल भैया एशियन गेम्स में, 14 गोल्ड मेडल एशियन चैंपियनशिप में, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन बेटा। आपको इनका सारा जो भी इनके करियर का एक तरीके से इनका पूरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके बन गए बेटा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के आपकी अध्यक्ष, आपकी बन गई है पहली महिला अध्यक्ष बन गई है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके अगर और इन्फॉर्मेशन की बात करें बेटा, तो अजय पटेल जी अगर बात करोगे, ये आपके यहाँ पे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने। तो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? तो वो आपके यहाँ पे पीटी उषा जी है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो बेटा आपके यहाँ पे अजय पटेल जी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनका भी सेम था, ये भी बिल्कुल इनका जो इन्होंने अपना एक तरह से नॉमिनेशन भी डाला था ना, इनको भी कोई कंपटीशन कुछ खास मिला नहीं, किसने डाला नहीं था अध्यक्षता के पद में एक तरीके से हमें भी लड़ना, ठीक है। तो ही वाज द ओनली कैंडिडेट जो भी आपका अध्यक्ष यहाँ पे बन रहे थे, ठीक है, सेम एज फॉर द पीटी उषा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं, थोड़ा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की यहाँ पे एक तरीके से बात करते हैं कि भैया कैनेडा ने भैया पहली बार, दिस इज द फर्स्ट टाइम माय डियर फ्रेंड्स, कि आपने डेविस कप जीते टेनिस में, भाई बहुत बड़ी बात है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब कनाडा की यहाँ पे बात करेंगे, इन्होंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जो आपके एक तरीके से आपकी जो टीम थी टेनिस की, इनको यहाँ पे हराया है, और यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से हिस्ट्री यहाँ पे रच दी है, जिसने यहाँ पे आप कह सकते हो कनाडा के लोग बड़े ही खुश हो रहे होंगे, वो लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एलेक्स डी मिनोर जो आपके ऑस्ट्रेलिया के थे, इनको यहाँ पे हरा के अगर आप देखोगे आपके जो कनाडा के जो आपके प्लेयर है फेलिक्स जी, ये आपके यहाँ पे एक तरीके से इन्होंने यहाँ पे कनाडा को जीत यहाँ पे दिलाई है, 6-3 और 6-4 से एक तरीके से इनको फाइनल में यहाँ पे हरा दिया था ऑस्ट्रेलियंस को, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया देखोगे बहुत पहले भी आपके एक तरीके से आपके डेविस कप आपके टेनिस में जीत चुके हैं, बट यहाँ पे अगर आप बेटा देखोगे कनाडा के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन यहाँ पे साबित हो गया, क्योंकि इनका पहला आपका डेविस कप देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कनाडा का एक और आपके प्लेयर थे जिनका नाम है आपका डेनिस शैपोवालोव, आपके जो डेनिस शैपोवालोव जो आपके है ये भी आपके कनाडा के प्लेयर है एक तरीके से, इन्होंने भी भैया यहाँ पे देखोगे ऑस्ट्रेलिया के आपके जो प्लेयर है जिनका नाम है आपका थनासा जी, इनको यहाँ पे क्या बेटा हरा के यहाँ पे इन्होंने भी एक तरीके से माइलस्टोन साबित किया है। अब देखो भाई कनाडा के लिए तो भैया बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन आपकी हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा देखेंगे डेविस कप के बारे में, थोड़ा देखेंगे तो डेविस कप एक आपका देख सकते हो कि आपका एक इंटरनेशनल टीम इवेंट है रिगार्डिंग आपका मेन टेनिस, ठीक है। डेविस कप आपका जो 2022 का देखोगे आपका 110th इसका एडिशन हमें देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसको इस गेम को पूरा स्पॉन्सर कौन करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, रकुटेन आपका करता है, जैसे आपका लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे 2021 में हमें देखने को मिलता कौन आपका डेविस कप जीता था,
कौन आपका डेविस कप जीता था बेटा? आपका रशिया टीम फेडरेशन आपकी जीती थी, आपको पता होना चाहिए, रशिया टेनिस फेडरेशन जीता था। अब आप बोलोगे सर इस बार क्या हुआ, इस बार रशिया नहीं आया क्या? इस बार रशिया नहीं आया गाइस, क्योंकि भैया एक ही रीजन आप सबको तो पता ही है, हमारे पुतिन चचा ने कुछ यहाँ पे कुछ काम किया है, आपको पता होगा है ना। तो जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द डेविस कप टूर्नामेंट, ठीक है, यही एक इसका बहुत बड़ा रीजन। पर देखो 2021 में डेविस कप तो वो जीते, अब 2022 में कनाडा हमारी जीत गई। यहाँ पे क्या जीती बेटा? कनाडा, नॉट कनाडा, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, बहुत बड़ी खबर है यहाँ पे कि भैया छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय अगर आप देखोगे तो इसको यहाँ पे यूनेस्को का अवार्ड दिया है। क्या भैया इसको यूनेस्को का यहाँ पे अवार्ड दिया गया है? बिल्कुल आपने यहाँ पे सही सुना है, छत्रपति शिवाजी महाराज, द ग्रेट वन शिवाजी राजे, आपको यहाँ पे पता ही होना चाहिए। कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? आपको संग्रहालय मतलब म्यूजियम की बात हो रही, ठीक है ना, कहाँ पे देखने को मिलता है ये? आपको मुंबई में आपको देखने को मिलता है। और ये इनको यूनेस्को ने कौन से अवार्ड से इनको सम्मानित किया है? तो ये आपका अवार्ड का नाम है अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस। क्या नाम है? अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस, मतलब एक तरीके से महारत की इनके एक तरीके से इनको यहाँ पे अवार्ड से इनको सम्मान किया गया है, ठीक है। पूरा यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मोर स्पेसिफिक डिटेल्स में जाऊं, तो ये जो इनको अवार्ड अगर आप देखोगे, मतलब यहाँ पे यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड, ठीक है, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड पूरा यहाँ पे देखोगे, उसी में इनको अवार्ड ऑफ एक्सलेंस के नाम से एक तरीके से इनको यहाँ पे नवाजा गया है। क्यों दिया गया है भाई? अवार्ड ऑफ एक्सलेंस दिया आपका यूनेस्को के एशिया पैसिफिक अवार्ड में आपको देखने को मिलता है, बट भाई मोड क्या है, क्या है इसका रीजन? रीजन इसका सबसे बड़ा यही है कि ये आपका जो छत्रपति शिवाजी महाराज का आप संग्रहालय है, ये आपका कल्चरल हेरिटेज, आपका कंजर्वेशन के लिए आपका बहुत ही ज्यादा एक तरीके से इसी फील्ड में इनको दिया गया, ठीक है, कि इन्होंने आपका जो म्यूजियम है छत्रपति शिवाजी का, इससे भैया कल्चरल हेरिटेज जो एक तरीके से है आपका, देखोगे उसको कैसे प्रोटेक्ट किया है, कितने बढ़िया तरीके से कंजर्व किया है, और यहाँ पे एक तरीके से कितने अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे डेवलप किया है, इसके मुद्दे के रिगार्डिंग इनको यहाँ पे बेटा अवार्ड ऑफ एक्सलेंस का यहाँ पे अवार्ड दिया गया है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए गाइस कि ये आपका जो पहली अगर बात करोगे 1922 में इसको एज अ प्रिंस ऑफ वेल्स के म्यूजियम से इसको जाना जाता था। क्या बोला जाता था इसको? प्रिंस ऑफ वेल्स के म्यूजियम से जाना जाता था। फिर बाद में देखोगे भैया इसका छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय इसका नाम रखा गया है, क्योंकि भैया हमें कोई भी एक तरीके से कलोनियल का हमें कोई भी दाग हमें भारत में नहीं चाहिए है। यस आगे बढ़े तो ये जो आप देखोगे बेटा 2000 साल से ही अगर आप देखोगे, ठीक है, सिंस 2000 से अगर आप देखोगे तो यूनेस्को का हमें देखने को मिलेगा बेटा एशिया पैसिफिक अवार्ड हमें देखने को मिलता है, ठीक है, खासकर कल्चरल हेरिटेज आपके कंजर्वेशन के लिए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। या तो बेटा ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को दिया जाता है बेटा ये अवार्ड, या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है भैया? तो इसका सिंपल सा यही रीजन है कि भैया आपका रिस्टोरिंग, कंजर्विंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग हेरिटेज स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग्स इन द रीजन, ठीक है, जिसके लिए भैया छत्रपति शिवाजी संग्रहालय जी को दिया गया है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आइए बात करते हैं और कौन कौन से अवार्ड एक तरीके से दिए गए, ठीक है। अवार्ड ऑफ एक्सलेंस यहाँ पे पता ही आपको, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के संग्रहालय को दिया हुआ, ठीक है। और भी कई सारे आपके होते बेटा, जैसे कि अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन होता है, अवार्ड ऑफ मेरिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन की बात करें तो ये आपका स्टेप वेल्स ऑफ गोलकांडा कहाँ पे देखने को मिलता है? हैदराबाद में देखने को मिलता है कि नहीं? आपका नेल्सन हेज लाइब्रेरी आपको बैंकॉक, इसको अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन दिया गया है। और आपका जो कनत, आपका जो एक तरीके से आपको जो ईरान में आपको देखने को मिलता है जर्ज कनत, ये आपको देखने को मिलेगा, इसको भी अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन मिला है। और अवार्ड ऑफ मेरिट देखोगे क्या है, इसको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दोमाकोंडा आपका जो किला है जो आपको तेलंगाना में देखने को मिलता है, आपको बायकुला स्टेशन आपका मुंबई का आपका हो गया है, ठीक है। ये सारे अगर आप देखोगे इनको यहाँ पे अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया है बेटा, सारे डिटेल मैंने दिया है, अच्छे से पढ़ लेना। अब बात करते हैं बेटा यूनेस्को की, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या है? ये आपका एक यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है। और इसका क्या काम है कि ये आपका वर्ल्ड में पीस बनाना चाहता है, वर्ल्ड में पीस को प्रमोट करना चाहता है। किस जरिए से करना चाहता है? ये एजुकेशन के जरिए से करना चाहता है, आर्ट साइंस के तरीके से करना चाहता है, साइंस को बढ़ावा देके करना चाहता है, दे पूरे विश्व भर में पीस मेंटेन करना चाहता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है
यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे गाइस मुझे बताओ। तो ये आपको पेरिस में देखने को मिलता है, और जब आपका एक तरीके से देखोगे इसका पूरा एस्टैब्लिशमेंट कब हमें देखने को मिलता है बेटा, एक तरीके से 1945 में लंदन में देखने को मिलता है। हाल ही के इसके बेटा हेड कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑड्रे ओजोलो जी इसके क्या है बेटा, यहाँ पे जो लेडी है ये इसकी बेटा क्या है बेटा, हेड है यूनेस्को की। तो बेटा जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात थी मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बता दिया है। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट खबर के साथ गाइस, ठीक है। तो यहां पे देखोगे कि अरीटा पट्टी जो आपका गांव है ये आपका पहला बायोलॉजिकल डायवर्सिटी हेरिटेज साइट आपका बन गया है। किसका किसका बना है आपका, तमिलनाडु का, ठीक है। आइए डिस्कस करते थोड़ा भैया, एनवायरमेंटल का क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो बेटा ये जो गांव है बहुत ही इंपॉर्टेंट गांव है, बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल गांव है, कल्चरली हिस्टोरिकली एक तरीके से बायोडायवर्सिटी के मामले में डिफरेंट स्पीशीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो बहुत ही इस गांव को बड़ा खूबसूरत यहाँ पे बनाती, ठीक है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बेटा यहाँ पे जो तमिलनाडु की सरकार है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके यहाँ पे क्या किया बेटा, आपका यहाँ पे एक तरीके से इसको यहाँ पे इस गांव को एक बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट इसको घोषित कर दिया, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो ये जो आपका बेटा गांव है बहुत ही खूबसूरत गांव, ये आपको मदुरई जिले में आपको देखने को मिलता है। कहां पे बेटा, आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है, और इसको यहाँ पे बना दिया है बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट अंडर सेक्शन 37। क्या, अंडर सेक्शन 37 इसको बनाया गया है, ठीक है। कौन से एक्ट के अंदर बनाया है तो आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु सरकार ने बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 में जो आपको पता आपका पास हुआ था, इसका सेक्शन 37 का यूज करते हुए आपका यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो आपकी तमिलनाडु है उसने यहाँ पे इसको यहाँ पे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बना दिया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए हर राज्य के पास इस पावर का वो इस्तेमाल कर सकता है, इस एक्ट का इस्तेमाल करके, सेक्शन 37 का इस्तेमाल करके वो किसी भी अपने एरिया को अकॉर्डिंग टू नीड बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस एक्ट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किसने किया तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी खूबसूरती क्या है। अब ये आपका जो एरिया है आपका बड़ा मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स, मेगालिथिक मतलब बड़े बड़े आपको आपको पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही मेगालिथिक, मेगा मतलब बड़ा, लिथिक मतलब स्टोन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेगालिथिक आपका हो गया, मीसोलिथिक आपका हो गया, पैलियोलिथिक आपका हो गया, आपको पता है सारा। तो ये आपको इस जगह जो जगह है ना इट इज वेरी मच फेमस फॉर मेगालिथिक आपके स्टोन, ठीक है। आपको यहाँ पे तमिल ब्राह्मी आपको इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे, कई सारे आपको यहाँ पे जैन साइट्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही आपको खूबसूरत आपको रॉक टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसी के साथ बेटा यहाँ पे मैं आपको बोलना बिल्कुल पसंद करूंगा, ये जो एरिया है आपका यहाँ पे आपको खूबसूरत आपको फ्लोरा फोना देखने को मिलेगा, ठीक है। लगभग 250 आपको पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिल रही है, रैप्टर्स आपको अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही वाइल्ड लाइफ के मामले में बहुत ही अच्छा आपका ये जगह है। जैसे यहाँ पे आपको पेंगुलिन्स देखने को मिलेगा, ठीक है, पाइथन्स आपको देखने को मिलेंगे, स्लेंडर लॉरेंस, मुझे बताओ स्लेंडर लॉरेंस का हमें पहला भारत में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलता है, वो सेंचुरी कहाँ पे बना है, किस राज्य में बता है आप बना है, आप मुझे कमेंट करके बताओ, अब भी बताओ जल्दी से, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें आपको अरिटापति गांव में देखने को मिलती है। सो दिस प्लेस इज वेरी मच फेमस फॉर इट्स रिच बायोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है बेटा। ये सारी जानकारी बहुत ही आपका एक तरीके से आपका क्वेश्चन आपका बना सकती है ऐसे ही ऐसे, ठीक है, क्योंकि आपका एनवायरमेंट का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब ये जो आपका एरिया है वो जैसे एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आपका बायोडायवर्सिटी जो हेरिटेज साइट बोला जाता है ये क्या है, व्हाट व्हाट डज दिस मीन, जब हम बोलते हैं बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बना दिया इसका मतलब क्या है। इसका बेटा ये मतलब है कि ये कुछ आपके ऐसे एरियाज जो अपने एक यूनिक इकोसिस्टम के लिए जाने जाते हैं, टेरिटोरियल लेवल पे, कोस्टल लेवल पे, या फिर आपका इनलाइन वाटर आपके एक तरीके से लेवल में आपको देखने को मिलता है, बड़ा ही रिच आपको बायोडायवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा। बायोडायवर्सिटी मतलब कि डिफरेंट स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगे, आपको बर्ड्स के, आपको वाइल्ड लाइफ के देखने को मिलेंगे, आपको प्लांट्स के देखने को मिलेंगे, ट्रीज के देखने को मिलेंगे, जो उस एरिया को बड़ा ही खूबसूरत आपका यहाँ पे बना देता है। अब एक आपको चीज पता होना चाहिए, थोड़ा फैक्ट आपका यहाँ पे है कि भारत का हमें पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट कहाँ पे देखने को मिलता है, कहां पे देखने को मिलता है, तो आपको बेंगलुरु में आपको जहां पे नल्लूर आपका जो यहां पे एरिया है इसको 2007 में यहां पे घोषित कर दिया गया था कि ये आपका भारत का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है। तो भैया सवाल बन सकता है एनवायरमेंट का, कल्चर का, आपको यहां पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री ने हाल ही में, आपको पता होना चाहिए, जो हमारे जो नीतीश कुमार जी है, इन्होंने भैया एक तरीके से प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग हमारे जो वाटर मैनेजमेंट की यहाँ पे बात है,
ये है आपका हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट। क्या नाम है बेटा? हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहां पे अगर आप बात करोगे इसका पूरा सिस्टम क्या है, देखते डिटेल में डिस्कस करेंगे, जल्दी किसको है। ठीक है, तो यहां पे बात करते हैं कि 27 नवंबर, मतलब आपका यहाँ पे परसों की ही बात है कि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जी आपके हैं उन्होंने यहाँ पे एक तरीके से हर घर गंगा जल आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे लॉन्च कर दिया। पहला फेज किया, फिर दूसरा फेज भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, धीरे धीरे आपका अलग अलग आपको यहाँ पे शहर में देखने को मिलेगा। ठीक है, शुरुआत इसकी कहां पे हुई है, तो राजगीर में आपको देखने को मिलती है। और ये इसका स्कीम का भैया बहुत अच्छा है, देखो इसको ध्यान से सुनना, ये स्कीम आपका बिहार में एक बहुत बड़ा यहाँ पे माइलस्टोन साबित हो सकता है रिगार्डिंग वाटर मैनेजमेंट। देखो बिहार में पानी की कमी नहीं है, बिहार इज वेरी मच सक्षम रिगार्डिंग आपका रिवर्स हो गया, आपका वाटर आपका हो गया, अच्छा खासा पानी का अच्छा खासा स्रोत है, बट फिर भी पानी की दिक्कत वहां भी है ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वाटर मैनेजमेंट प्रॉब्लम। ठीक है ना, पानी है बट मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज को डील करने के लिए स्कीम में क्या आपका होगा, ध्यान से सुनना, कि गंगा नदी का जो भी आपका एक्सेस पानी है, जो आपके फ्लड वाटर आपको देखने को मिलते हैं, जो आपके एक तरीके से यूजिबल अभी वो आपको गंगा वाटर आपको नहीं देखने को मिल रहे, तो जो मानसून सीजन में आपको देखने को मिलता है ना, आपका मानसून सीजन आता है, बिहार में बाढ़ देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, तो इन्होंने इस बार डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, जो एक्सेस हमें जो वाटर देखने को मिलता है गंगा का, खासकर हमें जो मानसून सीजन में देखने को मिलता है, उसको यहाँ पे एक तरीके से हार्वेस्ट करके हम क्या करेंगे, उसको एक ड्रिंकिंग पर्पस का वाटर बनाएंगे, उसको यहाँ पे कन्वर्ट करके ड्रिंकिंग मतलब उस एरियाज में जहां पे भेजेंगे जहां पे आपका सूखा हमें देखने को मिलता। कितनी अच्छी बात है, मतलब जो हमें बाढ़ की सिचुएशन देखने को मिलती है या फिर जब हमें मानसून का सीजन देखने को मिलता है बिहार में, कितना पानी जो गंगा हमारा जो नदी है, कितना एक्सेस वाटर हमें देखने को मिलता है जो जिसका कोई यूज ही नहीं हो पा रहा है, तो उसको यहाँ पे हार्वेस्ट करके उसको एक तरीके से पंप करके यहाँ पे हम उस एरिया में भेज सकते हैं, उन सूखे आपके एरिया में भेज सकते हैं बिहार में जहां पे पानी की दिक्कत है। कितनी अच्छी आपको यहाँ पे पहल आपको देखने को मिल रही है बिहार आपके सरकार के द्वारा। ठीक है, अच्छी बात है, हमें उम्मीद है तो आपको और यहाँ पे हमें डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो जो पानी आपका जो हार्वेस्ट किया जाएगा इसको कहाँ पे रखा जाएगा बेटा, राजगीर में रखा जाएगा, गया डिस्ट्रिक्ट में आपका रखा जाएगा, इसको फिर बाद में क्या किया जाएगा, इसको राजगीर गया में रख के फिर बाद में इसको ट्रीटमेंट आपका होगा। ठीक है, अब भाई आपका जो गंगा नदी का जो एक्स्ट्रा पानी जो निकल रहा है उसको हार्वेस्ट करके जब इस प्लांट में लाया जाएगा, इसको ट्रीट किया जाएगा, भैया पीने योग्य भी तो बनाना है ना, तो इसको एक प्लांट से इसको पूरा गुजारा जाएगा, फिर बाद में इसको पब्लिक ओरिएंटेड यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, पब्लिक को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे बात है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल पूछने की भैया आपका, सर व्हाट इज हार्वेस्ट प्रोसेस, अरे वो सिंपल सी बात है बेटा, एक तरीके से आप हार्वेस्टिंग करे से आप खेतों में क्या करते हो, ठीक है, आपका जब आपका फसल आपको एक तरीके से पूरा रिप आपका हो जाता है, आप क्या करते हो, हार्वेस्टिंग करते हो, उसको निकाल देते हो, है कि नहीं, तो सेम यहाँ पे भी चीज है कि हम यहाँ पे जो गंगा नदी का मानसून के सीजन में जो हमें एक्सेस वाटर हमें देखने को मिल रहा है, जो यूज हम नहीं कर पा रहे, उस पानी को हम एक तरीके से एक्सट्रैक्ट करके हम इसे उन एरिया में भेज सकते हैं जहां पे हमें सूखा देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है कि नहीं, ठीक है, तो ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे इसका जो सेकेंड फेज हमें देखने को मिलेगा, पहला फेज राजगीर से, दूसरा फेज इसका हमें 2023 में देखने को मिलेगा, नवादा जिले से हमें देखने को मिलेगा, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया दैट फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेस। क्या बात है यार, बिहार है तो भैया कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, हाँ बिल्कुल, प्यूरिफिकेशन बोल सकते हैं, प्यूरिफिकेशन पर्पज के लिए इसको हार्वेस्ट किया जा रहा है ना, मतलब यहाँ पे उस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको एक तरीके से ट्रांसपोर्ट करके रिजर्वायर भेजा जाएगा, उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी, उसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए बनाया जाएगा और फिर उसको पब्लिक में भेज दिया जाएगा। दिस आपको पूरा एक वाटर हार्वेस्टिंग का आपको तो पता ही, आपको प्रोसेस आपको क्या होता है, ठीक है ना, जमा करके फिर बाद में उसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए बनाना। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, आप यहाँ पे बिल्कुल खुश हो जाओगे और बिल्कुल आप यहाँ पे नाचने भी लग सकते हो कि भैया रेलवे ने भैया यहाँ पे प्लान कर लिया है कि अब हम वंदे भारत एक्सप्रेस को क्या करेंगे भैया, दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट भी करेंगे। भैया 2025 से 26 तक का इन्होंने टारगेट रखा हुआ है, भाई बहुत ही बड़ी बात है, ये आपको बेटा सारी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इंडियन रेलवे आपका अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, सो यू कैन सी हियर दैट द इंडियन रेलवे इज प्लानिंग एट बिकमिंग अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द वंदे भारत ट्रेन बाय 2025 टू 2026। ठीक है, कौन सा मार्केट पकड़ रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना, तो भैया यूरोप में एक तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे, साउथ अमेरिका को वंदे भारत भेजेंगे, और आपका ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया में कौन सी कंट्री आती है मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे जल्दी कमेंट करके यहाँ पे बता दो। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए और भी कई सारे जो डिटेल्स है रेलवे के रिगार्डिंग, आइए बेटा उसके बात करते हैं। ठीक है, तो जो आपका 2023 और 2024 का जो आपका जो भी आपका जो यूनियन बजट बनेगा, ये हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे
300 और हमें वंदे भारत ट्रेन हमें भारत में देखने को मिलेंगे, जो कि अच्छी बात है। अभी तो आपको देखने को मिलेगा, आपको चार अभी आपको देखने को मिलेंगे और एक आपको साउथ इंडिया में भी आपको देखने को मिला है ना। तो अभी और हमें इसमें वैरायटी चाहिए, हमें और अपडेशन एडवांसमेंट हमें चाहिए वंदे भारत एक्सप्रेस में, क्योंकि बहुत सक्सेस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। हमारे जो इंजीनियर्स है उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया वंदे भारत को बना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये आपको देखो, ये आपका इसका मैक्सिमम स्पीड कितना बेटा, 180 किलोमीटर पर आ, ठीक है। तो बहुत आपका एक अच्छा हाई स्पीड का आपका ट्रेन है और मैं एक उम्मीद रखता हूँ कि भैया हमें और भी जगह हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि भैया आपका और यहाँ पे क्या बात है। यहाँ पे रेलवे आपका बोल रहा है कि आपका फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में, देखो ध्यान से सुनना, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रेलवे डिपार्टमेंट ने बोला भी है कि भैया हमें वंदे भारत एक्सप्रेस में स्लीपर वाला फैसिलिटी भी देखने को मिलेगा। स्लीपर फैसिलिटी क्या होता है मुझे बताओ, मुझे बताओ जल्दी से, ठीक है। स्लीपर वाले कोचेस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी तक आपका एसी वाला चल रहा था, अब स्लीपर वाला भी सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं हमें इसमें क्या प्रोग्रेस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रेलवे आपका बहुत अच्छा काम करो, मैं उम्मीद रखता हूँ बहुत अच्छा आगे जाके भी काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी खबर है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारा जो यहाँ पे जो हमारे जो यूथ हमारे है, जो हमारे इंडियन यूथ बॉक्सर्स है, यहाँ पे इन्होंने बेहतरीन इन्होंने परफॉर्मेंस दिया भैया। कहाँ पे दिया है, कहाँ पे दिया है भैया? आपका इंटरनेशनल, आपको जो बॉक्सिंग आपका एक तरीके से आपका एसोसिएशन है, जो आपका वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप अभी आपका 2022 का जो आपका करवा रहा था, यहाँ पे देख सकते हो हमारे कई यूथ बॉक्सर जो है, आपको पता होना चाहिए विश्वनाथ सुरेश जी, वंशज और आपकी देविका घोरपड़े, ठीक है। ये यहाँ पे बेटा इन्होंने भैया इतिहास बना दिया, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, कहाँ पे? आईबीए के यूथ मेन एंड वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में। बताओ हमारे भैया छोरे और छोरी दोनों क्या कोई कम है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। कहां पे आपका आईबीए यूथ मैन और आपको वुमेन आपको चैंपियनशिप आपको देखने को मिलता, तो आपको स्पेन के आपको शहर ला नूसिया में आपको यहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं विश्वनाथ जी, आप देखोगे ये आपके फर्स्ट गोल्ड आपके जीते हैं यहाँ पे इस आपके टूर्नामेंट में। किसको यहाँ पे हराया था भैया? तो रोनल सोयम को हराया था, जो आपके फिलीपींस के है। कौन से कैटेगरी के आपको देखने को मिलते हैं? 48 किलो आपको कैटेगरी में आपको आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है कि भैया यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे और भी कई सारे लोग है, जैसे कि आपका आशीष जी आपके है, ये इनको सिल्वर मेडल से इनको संतुष्ट होना पड़ा। आपके यहाँ पे कौन से कैटेगरी में आते हैं आपके? तो 54 केजी कैटेगरी में आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको बेटा पता होना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे आपके भवन शर्मा जी आपको देखने को मिलेगी, जो आपकी सिल्वर मेडल से आपकी संतुष्ट आपकी हो गई है। ये आपकी वुमेन 48 कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा और ये आपका गोल्ड नहीं जीत पाए अनफॉर्चुनेटली, ये आपको एक तरीके से सिल्वर में एक तरह से खुश होना पड़ा, क्योंकि जो उज्बेकिस्तान की जो आपके गुलसेवर जो आपकी जिनीवा थी, इन्होंने यहाँ पे इनको 0-5 से इनको यहाँ पे हरा दिया था, मतलब 5-0 से यहाँ पे हरा दिया था। तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो गाइस जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको आज भैया आपको 29 नवंबर के दिन में मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में आपको बता दिया है और मैं उम्मीद रखता हूँ आपको बहुत अच्छे से सारे चीजें समझ आ गई होगी। अब गाइस थोड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस में आ जाते हैं। अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको SSB क्रैक एग्जाम्स की वेबसाइट में जाना है। वहां पे जाओ अपने कंफर्ट के हिसाब से, जिसकी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, जो भी डिफेंस की तैयारी करो, आपका NDF का CDS आपका SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स सब सब है भैया, आराम से जाओ, फुर्सत में जाओ और अपने कंफर्ट के हिसाब से देखो। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही आपको अफोर्डेबल प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। एंड डोंट फॉरगेट गाइस, सारे के सारे जो कोर्सेज बंडल्स के फॉर्म में अपडेटेड लेक्चर्स, सारे कंटेंट अवेलेबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और भैया एजुकेटर्स का पूरा आपको सपोर्ट, सब चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और गाइस जितने भी आपके जो डेली करंट अफेयर्स का या फिर डिफेंस अपडेट्स का जो कंटेंट है, आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हो। कहां से कर सकते हो? आप इसको कर सकते हो भैया हमारे साइट से। चलो आगे यहां पे बढ़ते हैं, हमारा जो इंपॉर्टेंट यहां पे एलिमेंट है, गाइस जल्दी से भाई वीडियो को लाइक करो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक करके फिर यहाँ पे हो, जल्दी फेंटा लगाना, क्योंकि अभी लगाना कि नहीं लगाना। चलो तो यहाँ पे हमारा राउंड शुरू होने वाला है जिसका नाम है KBC राउंड, मतलब कि यहाँ पे क्या कौन बनेगा करोड़पति? अरे नहीं भाई, हम लोग ऑफिसर्स है, हमारा क्या है, नॉलेज ही बनाएगा चैंपियन और नॉलेज ही बनाएगा तुम्हें ऑफिसर। और ये मुझे बताओ, आर यू गाइज रेडी? मुझे बताओ आर यू गाइज रेडी? बताओ हाउ इज द जोश गाइज, कम ऑन जल्दी से बताओ, ठीक है। करते हैं स्टार्ट, आरंभ करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मुझे बताओ उदयपुर शहर, हमें पता है यहाँ पे आपका G20 का शेरपा मीटिंग आपका हो रहा है, ठीक है, बट ये उदयपुर शहर के भैया आपके फाउंडर कौन थे बताओ? कम ऑन बताओ
उदयपुर सिटी के आपके फाउंडर कौन थे? महाराणा प्रताप, उदय सिंह टू, उदय सिंह वन, या इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, जब भी आओ वीडियो में, वीडियो को लाइक करो, लिंक को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फिर यहां पे क्लास को अटेंड किया करो, बी अ गुड एस्पिरेंट। चलो तो क्या इसका जवाब है? इसका जवाब है आपका यहाँ पे उदय सिंह टू जी। ठीक है, उदय सिंह आपके जो द्वितीय है ये आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको इन्होंने उदयपुर का जो शहर है पूरा यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, इन्होंने पूरा यहाँ पे पूरा फाउंडेशन इन्होंने क्रिएट आपको किया था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका, हु इज द टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु इज द टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जल्दी फेंट लगा दो इसको, जल्दी से फेंट लगाओ इसको, जल्दी 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 जल्दी। हु इज द टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ इंडिया करंट? तो यहां पे देखोगे आपको पीयूष गोयल जी आपको देखने को मिलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन में, पीटी उषा आपको हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की आपको पहली महिला अध्यक्ष देखने को मिलती है, बट इनका जन्म कौन से राज्य में आपको देखने को मिलता है? बताओ कौन से राज्य में आपको देखने को मिलता है? कम ऑन, जल्दी 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 जल्दी। तो यहां पे देखोगे आपको यहाँ पे केरल में आपको देखने को मिलेगा, कोझिकोड आपका यहाँ पे एक आपको शहर है, वहां पे इनका जन्म बेटा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हमें हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है? कहाँ देखने को मिलता है? जल्दी बताओ यार, जल्दी यार, तुम लोग बहुत टाइम लगाते हो, जल्दी कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, मेरे डिफेंस एस्पिरेंट्स आपको पता होना चाहिए, ये आपको नई दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल, इनमें से आपकी कौन सी कंट्री है जिसने डेविस कप 2021 का आपका जीता था? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन डेविस कप ऑफ 2021? बताओ बताओ बताओ। ठीक है, तो इसका जवाब होना चाहिए बहुत ही सिंपल आपका यहाँ पे रशिया आपको देखने को मिलेगा। ये आपका 2021 का आपका डेविस कप जीता था, और 2022 का कौन जीता बेटा? आपका कनाडा जीता है। नेक्स्ट आपका सवाल, कनाडा का कैपिटल क्या है? जल्दी बताओ, सेशन को लाइक किया कि नहीं किया? कनाडा का कैपिटल तो बता दो, कनाडा का कैपिटल बता दो। हाँ, कनाडा 2021 का कनाडा कौन बोला? अभी पढ़ेगा तुम लोग अच्छे से है, 2021 लिखा है यहाँ पे, 22 नहीं लिखा था। बताओ कनाडा का कैपिटल। यहाँ पे देखोगे बेटा आपको यहाँ पे ओटावा आपको देखने को मिलेगा। ओटावा कहाँ पे? देखो पूरा कनाडा का मैप यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, ये पूरा आपका बना हुआ है, और ये आप देख सकते हो आपको कनाडा बिल्कुल यूएस के बॉर्डर में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगला सवाल, शिवाजी महाराज के बारे में हमने पढ़ा, छत्रपति शिवाजी महाराज जो संग्रहालय है, वास्तु संग्रहालय, उसको यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सलेंस का अवार्ड दिया गया है, ठीक है, फॉर कल्चरल हेरिटेज आपका कंजर्वेशन। ठीक है, बट शिवाजी महाराज जी भैया कब इन्होंने कब अपने आप को यहाँ पे आप कह सकते हो क्राउन किया था एज अ छत्रपति? ठीक है, किस वर्ष में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने आप को क्राउन किया था? एक तरीके से ताजपोशी आपको इनको देखने को मिलती है, आपको किस वर्ष में देखने को मिलती है जब आपके छत्रपति इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया था? बताओ शिवाजी महाराज ने कब अपने आप को घोषित कर दिया था एज अ छत्रपति? ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है 1674 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यूनेस्को भैया आपको कौन से आपको शहर में आपको देखने को मिलता है? कब आपका फाउंड हुआ था वो नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, यूनेस्को वॉज फाउंडेड इन विच प्लेस? बताओ जल्दी बताओ, यूनेस्को वॉज फाउंडेड इन विच विच प्लेस? पेरिस, लंदन, म्यूनिक, या इनमें से कोई भी नहीं है? बताओ क्या होगा? तो ये आपका लंदन है। नेक्स्ट, इंडिया का पहला आपको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट आपको कहां देखने को मिलता है? कहां पे देखने को मिलता है इंडिया का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट? बताओ तो ये आपको देखने को मिलता गाइस, आपको नल्लूर में देखने को मिलता, आपको कर्नाटक में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हु इज द करंट हेड ऑफ यूनेस्को? हु इज द करंट हेड ऑफ यूनेस्को? बताओ
जल्दी फेंटा लगाओ यार, जल्दी 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 जल्दी। तो यहाँ पे देखोगे आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे देखोगे तो यूनेस्को के आपको करंट आपको हेड आपको कौन देखने को मिलते हैं, आपको ऑद्रे ओजाले जी आपको देखने को मिलती है। तो गाइस जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल थे मैंने आपको डिटेल में आपको यहाँ पे डिस्कस करा दिए हैं। खुद से रिसर्च करो, खुद भी पढ़ाई अच्छे से करो, और मैं उम्मीद रखता हूँ भाई आपकी जो तैयारी आपकी अच्छी खासी चल रही है। यहाँ पे मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, और ये है सवाल आपके स्क्रीन में। अगले साल हमारे रिपब्लिक डे में जो 2023 में आपको पता ही है, इसमें हमारे मुख्य अतिथि कौन होने वाले? ऑब्वियसली पता है, फॉरेन के आपको यहाँ पे अतिथि आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे आपके यहाँ पे रिपब्लिक डे में हमारे पार्ट होने वाले। ठीक है, तो हु विल बी द चीफ गेस्ट इन द रिपब्लिक डे 2023? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका आंसर आपको मैं नेक्स्ट सेशन में दूंगा, और आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जल्दी करके जल्दी मुझे करो इसका आंसर यहाँ पे क्या है। अगर मैं आपको बताना पसंद करूंगा, अगर आपको इसकी तैयारी करनी है, आपको डिफेंस की तैयारी करनी है, FKS, CDS, NDA जितने भी डिफेंस के आपके एग्जाम्स है, आपको क्या करना है, SSB क्रैक एग्जाम्स में जाओ, वेबसाइट में जाओ, एक्सप्लोर करो, बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में बेटा आपको देखने को मिलेगा। और आपको यहाँ पे देख सकते हो कि सारे आपको कोर्स बंडल्स के फॉर्म में अपडेटेड लेक्चर्स, सारे लाइव सेशन, आपको सारा कंटेंट आपको अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आपको बस क्या करना है, आपको यहाँ पे एक तरीके से कोर्स को अवेल करना है, एंड डेली करंट अफेयर और डिफेंस अपडेट्स आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, और इसका जो मटेरियल आप आराम से क्या कर सकते हो, वेबसाइट में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट गाइस 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 गाइस, अगर आपको SSB क्रैक एग्जाम्स का अगर आप कोर्स को अगर आपको अवेल करना है, कुछ नहीं करना है, आपको कौन सा कोड का इस्तेमाल करना है फॉर रिगार्डिंग डिस्काउंट, Warrior 10। वॉरियर हो तो Warrior 10 का कोड का इस्तेमाल करो, और भैया डिस्काउंट पाओ हमारे एक तरीके से कोर्सेज में। ठीक है, तो गाइज मिलता है आपको इसी जज्बो जुनून के साथ आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय, टेक केयर गाइज, जय हिंद।